हम इरिगेशन के चैप्टर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम इरिगेशन के अंदर हमारे लास्ट लेक्चर में मेजर कनाल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमारे मेजर कनाल्स के दो पार्ट डिलीवर हो चुके हैं, ये पार्ट थर्ड है। मेजर कनाल्स अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, जहाँ एक तरफ ये राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे की व्यवस्था के बारे में बात करता है, ये इंपॉर्टेंट बैराजेस, डैम्स, वियर्स, कैनाल्स की भी बात करता है। तो ये जी के वाइज बहुत हैवी टॉपिक है। वहीं उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण नदियों को दोबारा जिक्र में लेके आता है और उनसे जुड़े डैम्स की डिस्कशन करता है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ये अपने साथ जुड़ी हुई कई तरह की नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी जिक्र करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसमें गहराई से समय लगता है, टाइम लगता है, और हम उसे उतनी तफ्तीश से कर रहे हैं। आज पार्ट थर्ड के अंदर हम शुरुआत करेंगे आंध्र प्रदेश की कनाल से। आंध्र प्रदेश के बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि हमने ये पढ़ा था कि देश भर में जो कनाल इरिगेटेड एरिया है उसका लार्जेस्ट शेयर उत्तर प्रदेश में है। मतलब टोटल कनाल इरिगेटेड एरिया में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। और अक्सर हम ये पढ़ते हैं कि कनाल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया को डोमिनेट करता है, गंगा के मैदानों को डोमिनेट करता है, और साउथ इंडिया में टैंक इरिगेशन डोमिनेट करता है। तो अक्सर बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा एग्ज़ाम के अंदर अगर ये पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है और वो कहाँ लोकेटेड है जो सेकेंड लार्जेस्ट कनाल इरिगेटेड एरिया होल्ड करता है इंडिया में। सरप्राइजिंगली इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश है जिसके पास टोटल कनाल इरिगेटेड एरिया का सेकेंड प्लेस है। ओके, और वो कितना है? टोटल कनाल इरिगेटेड एरिया का इंडिया का 10.31% आंध्र प्रदेश में फॉल करता है। अगर हम आंध्र प्रदेश स्टेट अकेले की बात करें कि आंध्र प्रदेश का जितना नेट इरिगेटेड एरिया है उसका कितना हिस्सा कनाल से कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका ऑलमोस्ट 36.42% कनाल से कंट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर 36.42% सिंचाई की ज़रूरतें कनाल पूरा कर रही हैं। देश भर में कनाल जितने इलाके को सिंच रही हैं उसका 10.31% आंध्र प्रदेश में फॉल करता है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, सो आंध्र प्रदेश with 10.31% of the total canal irrigated area of India, next only to the Uttar Pradesh, and tops in South India. South India में canal irrigation में number one पे है ये। Canal irrigation accounts for about 36.42% of the net irrigated area of the state. ठीक है, जो major canals हैं यहाँ की वो किन नदियों से उठती हैं? जो major नदियाँ हैं इस इलाके की, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, इन तीन नामों का जिक्र अभी आएगा, आपको याद रखना है। कनाल से सही मायने में कौन सा एरिया इरिगेट होता है आंध्र प्रदेश का? डेल्टा एंड द कोस्टल रीजन्स। ये भी अभी समझ आ जाएगा कि क्यों। सो मेजर कनाल्स आर टेकन ऑफ फ्रॉम द गोदावरी, द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा रिवर्स। मेजर कनाल इरिगेटेड एरियाज आर इन द डेल्टाज एंड द कोस्टल रीजन्स। सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला है वो है गोदावरी डेल्टा प्रोजेक्ट, GDP। ओके, गोदावरी डेल्टा प्रोजेक्ट में जो पहले दो मेन बैराजेज हैं गोदावरी रिवर से एसोसिएटेड हैं वो है धौलेश्वरम एंड रल्ली एंड धौलेश्वरम। मेनली हम जिसकी स्टडी करेंगे वो धौलेश्वरम की है। उसी प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है रल्ली वियर, रल्ली हेडवर्क, दैट्स ऑल। उसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। ये धौलेश्वरम बैराज आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बैराज है। अब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम इसके बारे में स्टडी करें तो हमें पहले समझना जरूरी है कि किस नदी पर है ये। गोदावरी नदी पर आता है। सबसे ज़रूरी है कि हम गोदावरी के बारे में कुछ फैक्ट को समझें। देश की दूसरे नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई। ये वेस्टर्न घाट से निकलती है भारतीय राज्य महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर के इलाके में ब्रह्मगिरी के पर्वत से ये निकलती है। ओके, सो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स, फिजिकल फीचर है वेस्टर्न घाट्स। राज्य है महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट है नासिक, एरिया है त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, याद रखिएगा। और वहाँ पर पर्वत है ब्रह्मगिरी, ऐसा कहा जाता है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर कभी ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ बसा करते थे। ओके, और ऐसा माना जाता है कि महादेव की जटाओं से ही ऋषि गौतम ही गोदावरी को नीचे लेकर के आए, यानी कि दक्षिण भारत में लेकर के आए, महाराष्ट्र में लेकर के आए। हमारे जितने भी एंशियंट लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनमें इसे गंगा और गंगे कह के ही पुकारा गया है, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी इज़ द दक्षिण गंगा एज वेल।
इतनी बात क्लियर। ये बेसिन वाइज इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है, क्योंकि सबसे पहले गंगा होगी, उसके बाद इंदस होगी, तीसरा इसका नंबर आता है, तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है बेसिन वाइज, तीसरी लार्जेस्ट रिवर है। इसका डेल्टा अपने आप में बहुत यूनिक है, 170 किलोमीटर लंबा है, 170 किलोमीटर। जानते हो क्यों? जब ये बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, उसके पहले ही ये अपने आप को दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड करती है। जो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है वो गौतमी कहलाती है, और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटरी है वो वशिष्ठी कहलाती है। तो गौतमी और वशिष्ठी नदियाँ गोदावरी ही हैं, दो ब्रांचेज हैं। गोदावरी अपने आप को दो हिस्सों में बांटती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दो ब्रांचेज फिर आगे और बटेंगी, मतलब गोदावरी जब समुद्र में जाती है वो सात मेन स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, और वो सेवन मेन स्ट्रीम्स का जो नाम है वो सप्त ऋषियों पर रखा गया है, इसलिए उसे सप्त गोदावरी भी कहते हैं। ओके, सप्त गोदावरी से पीछे जहाँ पर वो दो स्ट्रीम्स में बटी है, उस पॉइंट से लेके गोदावरी के ओरिजिन तक उसे अखंड गोदावरी कहते हैं। सो ओरिजिन से लेकर के दो डिस्ट्रीब्यूटरी में बटने तक अखंड गोदावरी है, और उसके बाद सप्त गोदावरी के दर्शन होंगे आपको। सप्त गोदावरियों में सप्त ऋषि आ जाएंगे। सप्त ऋषियों में ऋषि विश्वामित्र हैं, ऋषि वशिष्ठ हैं, ये दो ऋषि हो गए, ऋषि जमदाग्नि हैं, ऋषि भारद्वाज हैं, ये चार ऋषि हो गए, ऋषि गौतम हैं, ऋषि अत्रि हैं, छह ऋषि हो गए, कितने बता दिए हमने, छह हो गए, ऋषि गौतम हुए, ऋषि अत्रि हुए, ऋषि वशिष्ठ हुए, ऋषि विश्वामित्र हुए, ऋषि जमदाग्नि हुए, ऋषि भारद्वाज हुए, पूरे नहीं हुए, सेवन है ना, सेवंथ ऋषि कश्यप बताए थे मैंने, ऋषि कश्यप, ओके, ऋषि कश्यप वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है हमारे प्लेनेट अर्थ पे जितनी भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं, सारी लाइफ फॉर्म्स ऐसा माना जाता है ऋषि कश्यप की संतानें हैं। उनका अलग अलग पत्नियों से अलग अलग तरह की संतानें पैदा हुई हैं, जैसे उनकी एक पत्नी है कद्रु, उससे पैदा हुए नाग, जैसे उनकी पत्नी है दानु, उससे पैदा हुए हैं दानव, जैसे उनकी पत्नी है दिति, दिति से पैदा हुए हैं दैत्य, जैसे उनकी पत्नी है अदिति, उनसे पैदा हुए 12 आदित्य यानी कि देवता, जैसे सूर्यदेव। तो ऐसा माना जाता है कि कश्यप की जो मेन पत्नियां हैं वो दक्ष की पुत्रियां थीं। तो कश्यप ऋषि से ही तमाम ये जो जितनी भी प्रजातियां हैं, जीव हैं, सारे आए हैं। उनका नाम भूल रहे थे हम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब सप्त ऋषि क्लियर हो गए, तो सप्त ऋषियों के नाम पर यह सप्त गोदावरी हिंदू कल्चर में बहुत ही होली प्लेस है। सप्त गोदावरी में स्नान करना, सप्त गोदावरी का जल ग्रहण करना हिंदू पिलग्रिमेज के रूप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आई बात समझ में? हम जब गोदावरी की बात कर रहे हैं, वो वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद ईस्टर्न घाट को काटते हुए आगे बढ़ती है, जिस पॉइंट पर वो दो हिस्सों में बटेगी उस इलाके की बात करनी। ये आंध्र प्रदेश का पहले गोदावरी डिस्ट्रिक्ट होता था, बाद में उसको दो हिस्सों में बांटा गया, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी। ये ईस्ट गोदावरी का इलाका है। ईस्ट गोदावरी में ये जो एग्जैक्ट जगह है, ये जगह है राजा महेंद्रवरम, इसे पहले राजा मुंदरी भी कहते थे, राजा महेंद्रवरम। ये राजा महेंद्रवरम नाम के स्थान पर ही धौलेश्वरम बैराज बनाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में राजा महेंद्रवरम नामक स्थान में धौलेश्वरम बैराज का निर्माण हुआ है। ओके, इसके आगे गोदावरी गौतमी और वशिष्ठी ब्रांच के रूप में बह जाएगी। अब तो मुझे लगता है आपको राजा महेंद्रवरम का स्थान भी याद हो गया, गोदावरी के लेफ्ट बैंक पे, राजा महेंद्रवरम गोदावरी नदी के लेफ्ट बैंक पे है। इतना क्लियर हुआ? और यहीं पर कौन एग्जिस्ट करता है? धौलेश्वरम डैम बराज, इज दैट क्लियर? इससे दो कनाल निकाली जाती हैं, एक को कहा जाता है द राइट बैंक कनाल, एक को कहा जाता है द डेल्टा कनाल, और वो इस इलाके को पानी देने का काम करती हैं। धौलेश्वरम बैराज के बारे में इतना बहुत है। इसको थोड़ा और अच्छा जान सकें इसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहते हैं, उसको देखिए। कुछ इमेजेस हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे आपकी परसेप्शन अच्छे से क्रिएट करने के लिए।
फ़ोन जो है वो गड़बड़ा जाता है बीच बीच में, कुछ कुछ हो जाता है, हमने इसको परेशान ही बहुत किया है ज़िंदगी में। हैंग हो चुका है। चलिए बाहर से दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले इस मैप को देखिए, छोटी है इमेज पर कोशिश करिए समझने की। देखिए ये गोदावरी निकल रही है, वेस्ट टू ईस्ट गई है, और ये यहाँ नज़र आ रहा है गोदावरी दो हिस्सों में बटी, गौतमी और वशिष्ठी ब्रांच के रूप में। इज़ दैट क्लियर? गोदावरी ने अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया, ठीक है। गोदावरी किन किन राज्यों से होके गुजरती होगी, मतलब गोदावरी का जो ट्रिब्यूटरीज हैं अगर उन्हें मिला लें तो कुल बेसिन कैसा बनता होगा, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, अब मोबाइल का काम पूरी तरह से हो गया है। आइए देखिए, तो ये महाराष्ट्र का इलाका है, ये मध्य प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश का इलाका, ये कर्नाटका का इलाका, उड़ीसा का इलाका, तेलंगाना का इलाका। इज़ दैट क्लियर? डन। तो इन इन इलाकों में गोदावरी का बेसिन आता है, ये राज्य आते हैं। इसके साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है पुडुचेरी, क्योंकि पुडुचेरी तो साउथ में है तमिलनाडु में मेन, लेकिन पुडुचेरी के इनक्लेव्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके इनक्लेव में माहे है, करेकाल है, पुडुचेरी खुद भी है, और एक इनक्लेव है यनम। ये यनम आंध्र प्रदेश में फॉल करता है, और ये खुद गोदावरी यनम से होके गुजरती है। तो इन राज्यों के साथ साथ पुडुचेरी भी इसका हिस्सा है। ओके, इतनी बात क्लियर? चलिए क्या बात है, तू कैसे डार्क हो रही है ना, पर चल पड़ा बाहर की स्क्रीन चलती रहे वो तो ना बंद हो जाए। चलिए अब दूसरी इमेज देखिए आप। देखिए ये धौलेश्वरम बराज, दिस द धौलेश्वरम बराज कहाँ पर है ये देखिए, एग्जैक्टली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये गोदावरी आ रही है और धौलेश्वरम बराज यहाँ पे बना हुआ है, दो हिस्सों में आगे गोदावरी बाइफरकेट हो गई है गौतमी और वशिष्ठी ब्रांच में। इज़ दैट क्लियर? चलिए एक इमेज आपको और दिखाते हैं जो ज़रूरी है। ये देखिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस तरह से मेनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स फॉल करते हैं आंध्र प्रदेश में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये देखिए, ऊपर सबसे श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आता है विजयनगरम, उसके बाद आता है ये विशाखापट्टनम, देन ये देखिए ईस्ट गोदावरी, ये वेस्ट गोदावरी, तो इकट्ठे हैं ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और वेस्ट गोदावरी। क्लियर हुआ? उसके बाद कृष्णा नदी से प्रभावित कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, फिर गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ये प्रकाशम है, अभी यहाँ पर भी हम एक ब्रिज देखेंगे, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, देन नेल्लोर, ये चित्तूर है, ये कडप्पा है, ये अनंतपुर है, ये कुरनूल है। तो कुरनूल कडप्पा की कनाल हम पढ़ेंगे, ये अनंतपुर है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट। ओके क्लियर? तो इस समय हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट की। देखिए जब हम इस धौलेश्वरम बराज की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति है जिनको इसका क्रेडिट जाता है, जिनका नाम है सर आर्थर थॉमस कॉटन। धौलेश्वरम बराज जहाँ पर बना है राजा महेंद्रवरम में, वहीं पर आपको एक आर्थर कॉटन म्यूज़ियम भी मिलेगा, इनसे जुड़ी तमाम चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। सर आर्थर थॉमस कॉटन ब्रिटिशर्स के समय के एक इरिगेशन इंजीनियर हुआ करते थे, और ये देखा करते थे कि ये जो सारा इलाका है गोदावरी के पानी से पहले तो प्रभावित रहता है, क्योंकि गोदावरी का पानी फ्लड करता है इन एरियाज़ में, तो जितनी भी कल्टीवेबल लैंड है वो अंडर फ्लड आने के कारण ख़राब हो जाती है। दूसरा, गोदावरी का पानी ऐसे ही समुद्र में बह जाता है, जबकि गोदावरी के बेसिन में आंध्र रीजन के अंदर बहुत से इलाके हमेशा सूखे की मार झेलते हैं, तो एक तरफ सूखा रहता है, ड्रॉट आते हैं, फैमिन आते हैं, और दूसरी तरफ अंडर द फ्लड वाटर लॉगिंग होने के कारण सॉइल वेस्ट होती है,
इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए इन्होंने ये प्लान किया 1850s के दौर में कि हमें एक इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ लाना चाहिए, जिसके तहत 1852 में इनके द्वारा ये बैराज कंप्लीट कराया गया जिसे आप धौलेश्वरम कहते हैं। ओके, सो 1852 में सर आर्थर थॉमस कॉटन ने धौलेश्वरम बैराज कंप्लीट कराया। समय आगे बढ़ा, धौलेश्वरम बैराज को हमने गोदावरी बैराज का भी नाम दिया, लेकिन 1970s और 80s के समय में धौलेश्वरम बैराज को रिप्लेस करने का समय आ गया था। जब हमने उसको रिप्लेस किया, वहीं पर एक और बैराज क्रिएट किया, उसका नाम इन द रेवरेंस टू द आर्थर कॉटन, उनको सम्मान देने के लिए सर आर्थर कॉटन बैराज रख दिया गया। तो धौलेश्वरम बैराज का ही नाम है आर्थर कॉटन बैराज या फिर गोदावरी बैराज। तो आपसे कोई भी पूछे कि सर आर्थर कॉटन बैराज कहाँ है, इट इज़ इन द आंध्र प्रदेश, या कोई भी पूछे सर आर्थर कॉटन बैराज को मैच करिए रिवर से, इट इज़ एसोसिएटेड विद द गोदावरी रिवर। ओके, तो ये आंध्र प्रदेश से मैच होगा, रीजन आंध्र प्रदेश है और रिवर गोदावरी है। इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि रीजन और रिवर दोनों साथ में मैच करानी पड़नी थी, और माउंटेन और रीजन और माउंटेन का बनने का प्रोसेस तीनों मैच कराने पड़ने थे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। आर्थर कॉटन ही जिम्मेदार हैं, अगर आप याद करें तो जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया था कि भारत में पानी की समस्या से निपटने के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स करनी चाहिए, तो इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का आइडिया और इसकी शुरुआत भी आर्थर कॉटन ने ही की थी, उन्हीं को क्रेडिट जाता है। इन्हें मॉडर्न टाइम में, जैसे वैसे तो मिडिवल पीरियड में फिरोज शाह तुगलक को फादर ऑफ इरीगेशन कहते हैं, इन्हें मॉडर्न टाइम का फादर ऑफ मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम ऑफ इंडिया कह के पुकारा जाता है। इन्होंने इसी धौलेश्वरम बैराज के साथ साथ प्रकाशम बैराज पे भी काम किया, कुरनूल कुडप्पा कनाल पर भी काम किया। ये कनाल विकसित करने का काम इन्हीं का है। इस पानी को यूटिलाइज़ किया जाए, इसके लिए कनाल्स का एक्सटेंसिव नेटवर्क कोस्टल एरिया में डेवलप किया। इस सारे इरिगेशनल वर्क्स के लिए इन्हें डेल्टा आर्किटेक्ट की संज्ञा भी दी जाती है। ये इज़ अ डेल्टा आर्किटेक्ट, ये सारे नाम इनसे जुड़े हुए हैं। ओके, मैं इनके बारे में पढ़ देता हूँ। सो धौलेश्वरम बैराज इरिगेशन स्ट्रक्चर बिल्ट इन 1852 ऑन द लोअर स्ट्रेच ऑफ द गोदावरी रिवर बिफोर इट एम्प्टीज इन टू द बे ऑफ बंगाल। इट वॉज रीबिल्ट इन 1970 वेन इट वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड एज सर आर्थर कॉटन बैराज और गोदावरी बैराज। ओरिजिनली इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इरीगेशन इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन। ही ऑल्सो बिल्ट द प्रकाशम बैराज एंड द कुरनूल कुडप्पा कनाल। ही इज ऑल्सो रेफर्ड एज द डेल्टा आर्किटेक्ट ऑफ द गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू हिज इरीगेशनल वॉक्स। ओके, तो धौलेश्वरम बैराज के बारे में इतनी ही जानकारी, गोदावरी रिवर के बारे में भी हमने जानकारी दे दी, उसके बेसिन रीजन, उसकी लेंथ, उसका थर्ड लार्जेस्ट बेसिन होना हमने बता दिया, सप्तऋषियों से जोड़ करके समझा दिया, और उसकी ब्रांचेस भी हमने बढ़ा दी। ठीक है, अब हम आंध्र प्रदेश के ही दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो है विजयवाड़ा बैराज। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो प्रोजेक्ट हैं उनमें आता है कृष्णा डेल्टा प्रोजेक्ट, जिसका मेन एलिमेंट है विजयवाड़ा एनीकट। ये विजयवाड़ा एनीकट क्या है, हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, कृष्णा डेल्टा प्रोजेक्ट के अंडर ही आता है। उसके बाद है सन केसुला एनीकट अक्रॉस द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा। ये सन केसुला एनीकट क्या है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद आता है कुरनूल कुडप्पा कनाल वाज टेकन ऑफ फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर इन 1816। हम अभी इस कुरनूल कुडप्पा कनाल के बारे में भी देखेंगे। देन द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ अ डैम अक्रॉस द कृष्णा रिवर इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं कृष्णा डेल्टा प्रोजेक्ट के तहत विजयवाड़ा एनीकट से। ये जो विजयवाड़ा एनीकट है, इसे ही कृष्णा एनीकट कहते हैं, और इसे ही हम आज की डेट में प्रकाशम बैराज कहते हैं। दिस प्रकाशम बैराज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 2023 में इस प्रकाशम बैराज को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का टैग मिला है, और ये टैग इसे दिया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने, ICID ने। सो प्रकाशम बैराज भारत का उन 19 स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड हुआ वर्ल्ड के, जिनको 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला। एनीकट
जहाँ पर नदी को रोक करके पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो प्रकाशम बैराज, नाम कहाँ से आया इसको? प्रकाशम बैराज एक बहुत ही वहाँ के महान लीडर हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है सो चीफ मिनिस्टर एंड द ग्रेट लीडर ऑफ दैट एरिया, इट इज़ श्री प्रकाशम पंथलू, श्री प्रकाशम पंथलू। तो वहाँ से नाम आता है प्रकाशम बैराज। ओके, सो प्रकाशम बैराज, द एग्जिस्टिंग प्रकाशम बैराज अक्रॉस द रिवर कृष्णा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाशम बैराज कृष्णा नदी पर है, जैसे धौलेश्वरम बैराज गोदावरी नदी पर था। तो प्रकाशम बैराज अक्रॉस रिवर कृष्णा वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1954-57। क्यों? क्योंकि जो इसके पहले की विजयवाड़ा एनीकट या कृष्णा एनीकट है, वो 1952 में आए फ्लड्स के कारण तबाह हो चुकी थी। ये रीजन ही सारा साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है, इसलिए यहाँ पर जो एम्बैंकमेंट्स होती हैं कैनाल्स की, जो कैनाल्स हैं, कोई वेयर्स हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा किया है, डैम्स बैराजेस, उनको बहुत नुकसान पहुँचता ही रहता है। तो वो जो उस टाइम पर एनीकट बनाई गई थी, दैट वाज 1852 में बनाई गई एनीकट, ठीक 100 साल बाद 1952 में नष्ट होने को थी। इसके लिए उसको रिप्लेस करने के लिए 1954 से 57 के बीच में उस विजयवाड़ा एनीकट या कृष्णा एनीकट को रिप्लेस किया गया, जिस बैराज से उसका नाम रखा गया प्रकाशम बैराज। सो द एग्जिस्टिंग प्रकाशम बैराज अक्रॉस रिवर कृष्णा वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1954-1957 इन प्लेस ऑफ ओल्ड एनीकट इन विजयवाड़ा सिटी इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में विजयवाड़ा शहर में कृष्णा नदी पर ये विजयवाड़ा एनीकट या कृष्णा एनीकट या जिसे आज हम कहते हैं प्रकाशम बैराज सिचुएटेड है। ओके, अर्लियर एनीकट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1852 टू प्रोटेक्ट द डेल्टा फ्रॉम फ्लड्स। जो कृष्णा रिवर डेल्टा एरिया है उसको फ्लड्स से बचाने के लिए उस समय में एनीकट बनाया गया था, जो कि 1952 में ब्रेच हो गया। वो जो एनीकट था उस टाइम का, वो किसके द्वारा डिज़ाइन था? सर आर्थर थॉमस कॉटन। सो आर्थर कॉटन, हमने अभी पढ़ा कि धौलेश्वरम बैराज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रकाशम बैराज के पहले जो विजयवाड़ा एनीकट थी या कृष्णा एनीकट उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं। आगे अभी आप कुरनूल कडप्पा कनाल के बारे में सुनेंगे, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसीलिए इन्हें डेल्टा मैन कहा गया है। गोदावरी और कृष्णा का जितना भी वियर्स, रेजरवायर्स, बैराजेस, डैम्स, एनीकट्स, कैनाल्स, एम्बैंकमेंट, ये सारा जो नेविगेशन इरिगेशन से जुड़ा ये सारा कंस्ट्रक्शन सिस्टम है, डेल्टा इरिगेशन से जुड़ा, डेल्टा रीजन नेविगेशन से जुड़ा, ये सारी भूमिका निभाई आर्थर कॉटन ने, इसलिए डेल्टा मैन के नाम से फेमस है। सो दैट 1852 विजयवाड़ा एनीकट और कृष्णा एनीकट वॉज डिज़ाइंड बाय सर आर्थर कॉटन टू सर्व फोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर एंड प्रकाशम। मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ किताब में, ये देखिए, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट गोदावरी। ओके, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम, इन चारों को सर्व करने के लिए प्रकाशम बैराज जो बाद में बना, जिस पर बना वो विजयवाड़ा एनीकट, इनको सर्व करने के लिए आर्थर कॉटन ने उस समय में बनाई थी 1852 में। ठीक है, सो इट वॉज डिजाइंड बाय सर आर्थर कॉटन टू सर्व फोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर एंड प्रकाशम। द प्रेजेंट प्रकाशम बैराज इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट लीडर
एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री प्रकाशम पंथलु. इट हेल्प्स इरिगेट ओवर 1.2 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड. इट सप्लाइज वाटर टू बकिंगम कनाल विच वॉज इनिशियली कंस्ट्रक्टेड एज एन इनलैंड नेविगेशन कनाल. हम अभी बकिंगम कनाल के बारे में भी पढ़ेंगे, मतलब उसको भी पानी यहाँ से जाता है. प्रकाशम बैराज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर WHIS बाय द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID. ओके, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि प्रकाशम बैराज एक्चुअली मैप पर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ प्लेस्ड है. आप देख लीजिए, देखिए ये तो हमें क्लियर है, गोदावरी नदी, और उस पर हमने देख ही लिया धोलेश्वरम बैराज. उसके ऊपर यहाँ पर पोलावरम प्रोजेक्ट भी हम बात करेंगे अभी. हम जरा इस पर ध्यान दें, ये कृष्णा नदी आ रही है बिल्कुल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर. हमने एक लाल कलर की ये लाइन देखी, हम अभी पढ़ेंगे. ये नागार्जुन सागर डैम है जो शेयर हो रहा है आंध्र और तेलंगाना में. एग्जैक्टली पूछा जाए तो तेलंगाना के नालगोंडा में है, लेकिन उसके साथ ही आंध्र के गुंटूर में भी है. कृष्णा आगे चली गई नागार्जुन सागर डैम से, और आगे गई तो पुलिचिनताला डैम, और आगे बढ़ गई तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दिस इज़ प्रकाशम बैराज. ये रही जगह विजयवाड़ा. उसके बाद कृष्णा आगे चली गई, अपना डेल्टा बना लिया. ओके, दूसरी इमेज देखिए, दिस वन इज़ द प्रकाशम बैराज. ये प्रकाशम बैराज है. ओके, ये कृष्णा नदी आ रही है, ये तुंगभद्रा आ रही है. ये तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिल जाएगी, दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है आंध्र प्रदेश में. और उसके बाद कृष्णा आगे चली गई तो कृष्णा पर ही श्री सैलम डैम भी है. दिस इज द सिस्टम. ओके, तो आइए इस मैप के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है. ये कृष्णा एंटर कर गई आंध्र में, कृष्णा आगे बढ़ी, जुराला डैम, श्री सैलम डैम, नागार्जुन सागर, नहीं यहाँ पर नहीं डालना था ये, हाँ ठीक है, नागार्जुन सागर डैम, क्योंकि तेलंगाना तो निकलेगा ना. और ये यहाँ पर प्रकाशम बैराज. ओके क्लियर, बस ये बहुत है. क्लियर हो गया प्रकाशम बैराज के बारे में. कृष्णा नदी पर है, और प्रकाशम बैराज नाम क्यों पड़ा, व्यक्ति के नाम पर आधारित है. और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, विजयवाड़ा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कृष्णा, देखो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, कंफ्यूज हो रहे हो आप, ठीक है. जिन चार डिस्ट्रिक्ट्स को सर्व करने के लिए बनाया था वो हैं वेस्ट कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर एंड प्रकाशम. 2023 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है. ओके, तो ये था हमारा कृष्णा डेल्टा प्रोजेक्ट के तहत विजयवाड़ा एनीकट. किताब में आपके इतना ही लिखा है, मैंने ये सारा प्रकाशम बैराज के रूप में पढ़ा दिया है. अब दूसरा आता है सन केसुला एनीकट अक्रॉस द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा. इसमें किताब में ये लिखा है पर हमें इसे करेक्ट करना है, वो क्या है. ये रहा सन केसुला बैराज, जिसको कहा जाता है सन केसुला एनीकट. ये क्लियरली तुंगभद्रा रिवर पर है. सो सन केसुला बैराज, इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, जो कि आज के समय में बैराज है, लेकिन ये जब बना था 1861 में तो ये एनीकट था. तो उसी 1861 वाली एनीकट पे मौजूदा समय में 1950s 60s के दौरान बैराज